श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सीएम आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस के लिए हमने ये देखे एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक लिया, बहुत ही प्यारा सा ये सिल्क बेस फैब्रिक है। आज इसी में से हम ये ड्रेस बनाएंगे और ड्रेस देखने में बहुत ट्रिकी है लेकिन बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ड्रेस का अगर से आप मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए ये ड्रेस को बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक कट किया है, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। ये हमने बॉर्डर जैसा कट कर लिया है और इसको हमने 3.5 इंची लिया है, थोड़ा सा आधा इंची हमने ये प्लेन फैब्रिक इसके साथ में लिया और ये 3 इंची हमने लगभग एम्ब्रॉयडर्ड साइड से लिया है और साथ में इसको 40 इंच हमने लंबा लिया है। ये 39 इंचेस यानी पूरा 1 मीटर की हमारी इसकी लंबाई है, वो हमने ले ली है। साथ ही हमने आरकंडी का अस्तर भी कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आरकंडी के अस्तर पर इस फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद यहाँ से ऐसे और फिर एम्ब्रॉयडरी साइड से ये पूरा सिल लेंगे और फिर तीसरी साइड ये यहाँ से 3 साइड से हम इसे सिल लेते हैं। ये फैब्रिक हमारा इतना प्यारा है, इसमें हम लेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद एक बार यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे या फिर कोई लेस या किनारी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे हमने पलट लिया, अब यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे और प्लेट 5.5 से 6 इंच के अंदर में डालेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डाल करके और घेर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा घेर बन गया है और ये 6 इंच के अंदर हमारा पूरा घेर बना है। अब इसमें हम नेफा लगा लेते हैं। 1.5 इंची चौड़ी हमने और ये भी पट्टी कट की है, इसको अंदर की साइड मोड़ने के बाद डबल करेंगे, सिंगल ही लगा देते हैं क्योंकि ये घेर थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए दिक्कत आएगी डबल लगाने में, सिंगल लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देंगे। ये एक्स्ट्रा बचे हुए पीस को हमने अंदर की साइड मोड़ दिया 1/2 इंची को और इसको एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करके इस तरीके से ये पूरे इसमें कमर में हम घुमा देंगे और ये सिलाई लगा देंगे। हमने ये कंट्रास्ट कलर का नेफा लगाया, आप चाहें तो मैचिंग में लगा सकते हैं। ये देखिए घेर बन गया हमारा, चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने देखिए ये लगभग 1.5 इंची चौड़ी है पट्टी और ये हमें 14.5 इंची लंबी लेनी है, 15 इंची लंबी ले लेते हैं हम।
15 इंची हम किस हिसाब से ले रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उस हिसाब से आप है ना चोली कट करेंगे, किसी भी नंबर के कान्हा जी की चोली बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो ये देखिए मैं नाप लेना बता देती हूँ, ये 5 नंबर के कान्हा जी हैं, इनकी जो ड्रेस हम बना रहे हैं उसकी चोली का नाप कैसे लेंगे और किस लिए हमने 15 इंची कट किया। ये देखिए यहाँ तक हमारी ये कमर आएगी ठाकुर जी की, तो यहाँ से हम इंची टेप का एक सिरा पकड़ेंगे और इस तरीके से लेते हुए और ऐसे घुमा लाएंगे, ये देखिए, और फिर यहाँ पे हमने शुरू किया है वहीं पे इंची टेप को ले आते हैं। तो लगभग देखिए 13.5 इंची आ रहा है, हमने थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा दोनों तरफ का 1/4 1/4 इंची, तो लगभग है ना हमने 15 इंची ले लिया है, एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने आप किसी भी साइज के कान्हा जी की चोली को बना पाएंगे। अब ये हमने अस्तर भी कट कर लिया, अस्तर के ऊपर इसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, सिलने के बाद इसे हम पलट लेंगे। ये ओपन वाली जो साइड है ना यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है यहाँ टिश्यू टेप से इसे लॉक कर देंगे। अब ये गोटा लिया है, इस गोटे को हम 2 बार लगाएंगे, 1 बार यहाँ थोड़ा 1 बार गैप दे करके। अब ये देख नाप लेते हैं हम, 4, ये हमारी 14 इंची की पट्टी है। अब इसको इस तरीके से रख के क्रॉस में यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से लेकर के 5 इंच तक हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये चोली हमारी बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ घेर में हम सेंटर में निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद आमतौर पर चोली हम इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से ना लगा करके इस चोली को हम नीचे की साइड में ऐसे लगाएंगे। तो इसको देखिए अगर से हम ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पर हमारी सिलाई दिखाई देगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 बार हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से रख के और फिर पलट करके हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारी सिलाई भी नहीं दिखाई देगी और ये हमारी चोली भी लग जाएगी। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई, आपको पहना करके दिखाएंगे ये ड्रेस हम कैसे पहना पाएंगे ठाकुर जी को। और इसके लिए पहले पगड़ी और तैयार कर लेते हैं। पगड़ी के लिए हमने 2 इंची चौड़ा और 10 इंची लंबा फैब्रिक लिया है, अभी बचेगा इसमें से काट के अलग कर देंगे और इसको हम सिलाई कर लेते हैं। एक साइड से सिलाई करने के बाद इसको पलट देंगे। अभी एक साइड से सिलाई लगा करके इसे पलट लिया और जो अरकंडी है ना उसे अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ देंगे, लगभग 1 इंची के करीब हम इसे बस छोड़ेंगे और बाकी हम अंदर की साइड मोड़ करके ऊपर वाला जो सिल्क का पीस है उसे भी अंदर की साइड मोड़ करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे और इसे टिश्यू टेप से लॉक कर देंगे। ये पट्टी हमने पगड़ी के लिए बना ली। अब इसको देखिए पगड़ी कैसे बनाएंगे, ये ठाकुर जी सामने हैं हमारे, इस तरीके से रखेंगे और ये ऐसे बस क्रॉस किया, नापा है ना, ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट नाप आ रहा है। अब इसमें हम ये बस यहाँ पर टांका लगा देना है, टांका लगाने के बाद में इसमें जितना बचता है हमारा उसे अंदर की तरफ करके यहाँ भी टांका लगा देंगे मशीन से या सुई से, तो बस ये हमारी पगड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए पगड़ी हमारी बन गई बहुत ही आसानी से। अब इस ड्रेस को हम पहना करके दिखाते हैं, ये ड्रेस जो हमने बनाई है ये हमारे गोपाल जी हैं। इस ड्रेस में भी देखिए हमने एक यहाँ पर लटकन लगा दी है, ऊपर से एक स्टोन लगा दिया जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। चलिए ड्रेस पहनाते हैं ठाकुर जी को। ये देखिए सबसे पहले हम गले में ये चोली डालेंगे, इस चोली को हम पीछे तक ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी बिल्कुल आकर के लग गई जहाँ से हमने नाप लिया था चोली का, और इस तरीके से पहले जो इधर की तरफ के पीस को ऐसे लेंगे और उसके बाद में हम
जहाँ पे हमने लटकन लगाई है, लटकन वाले पीस को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और पीछे ले जा कर के बांध देंगे। देखिए इस ड्रेस को बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगे हैं हमें मुश्किल से, और बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारे ठाकुर जी की बन करके तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। यदि आप अपने ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर ये ड्रेस पहनाते हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगी, तीजों पर पहनाते हैं तो भी प्यारी लगेगी, क्योंकि हमने इसमें फैब्रिक में कोई भी डेकोरेशन नहीं किया है, ऑलरेडी हमारा डेकोरेटेड इतना फैब्रिक है, और इसमें ड्रेस तो फिर देख करके बहुत ही खूबसूरत लग रही है, लग रहा है कितनी हैवी ड्रेस है, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, बहुत आसानी से ये ड्रेस हमारी बन गई। अब ये देखिए पगड़ी भी लगा देते हैं, तो देखिए बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और ये फैब्रिक आप मंगाना चाहते हैं घर बैठे तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर जाकर के हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये फैब्रिक आप घर बैठे अपने लिए मंगा, अपने ठाकुर जी के लिए मंगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, 6 कलर हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।